नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो के द्वारा जानने की अगर आप एक किसान हैं और केसीसी कार्ड बनवा रखे हैं तो कर्ज माफ़ी का जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, उद्योगपतियों के 7.95 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया गया, तो किसानों का आखिर कर्ज माफ़ क्यों नहीं? दोस्तों, आपने केसीसी में कर्ज माफ़ी की तो खबरें बहुत सी सुनी होंगी, कृपया करके इस खबर को भी जानिए। मुख्यमंत्री सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीयकृत या प्राइवेट बैंकों के बचे किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कुल 7.95 लाख करोड़ रुपये के उद्योगपतियों के कर्ज राइट ऑफ हुए हैं, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए कोई कर्ज माफ़ी नहीं की। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद यहाँ 20,56,000 से ज़्यादा किसानों के कर्ज माफ़ किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी की, इसमें 6,000 करोड़ रुपए बीजेपी सरकार द्वारा घोषित कर्ज माफ़ी भी शामिल है। गहलोत ने यह भी कहा कि मुझे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राजस्थान के किसानों की कर्ज माफ़ी के बारे में फिर से ध्यान में दिलाना पड़ा, क्योंकि 18 दिसंबर को पीएम ने बीजेपी की ओर से आयोजित मध्य प्रदेश के किसान सम्मेलन में कहा था कि राजस्थान में किसान कर्ज माफ़ी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता दूसरी ओर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वास्तविकता दूसरी है कि कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो राजस्थान सरकार के अधीन आने वाले सहकारी बैंकों से कर्ज माफ़ी का इंतजार कर रहा हो। गहलोत सरकार ने कहा कि कर्ज माफ़ी का इंतजार तो वे बचे हुए किसान कर रहे हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के अधीन आने वाले राष्ट्रीयकृत या वाणिज्यिक बैंकों से कर्ज लिया है, केंद्र सरकार ने उनके कर्ज माफ़ नहीं किए। तो दोस्तों, सरकार कोई भी है, किसानों का अपना एक महत्वपूर्ण राय है कि जो केसीसी का लोन है प्राइवेट बैंकों का, वो राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों सरकारें मिलकर चाहे किसानों का कर्ज माफ़ करे। दोस्तों, इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है वो ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहें, जिससे आपकी बात आगे तक सरकार तक पहुंचे और किसानों के हित में सरकार कुछ बड़ा कदम उठा सके। धन्यवाद मित्रों।